नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच मणिपुर से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां पर बीजेपी की सहयोगी गठबंधन वाली पार्टी एनपीपी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब बीजेपी के एक और नेता पर विवादित बयान देने का आरोप लगाया और जनता को उकसाने का आरोप लगा है, किस तरह से इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में कोरोना काल में मरने वालों की जो संख्या है उसके आंकड़ों को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है और ये जो खुलासा हुआ है उसने जो है कहीं ना कहीं पूरे देश को चौंका दिया है। जो रियल आंकड़ा है वो चौंकाने वाला, आगे हम आपको दिखाएंगे कि भारत में कोरोना से अब तक कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने वाले, जमानत के बाद बाहर आने वाले अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक और विवादित बयान सामने आया है, क्या बयान है वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के दिग्गज नेता ने एक विवादित बयान दिया है जिसके बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद देश की 130 करोड़ जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध से पहले भारत ने अब वहां पर अपने देश के नागरिकों को निकालने की कवायद शुरू कर दी है, इसको लेकर के मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की, मणिपुर में वैसे तो बीजेपी और एनपीपी मिलकर के सरकार चला रही है लेकिन इस एनडीए गठबंधन में भयंकर फूट पड़ गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं, मणिपुर के उप मुख्यमंत्री वाई जय कुमार और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने राज्य में गठबंधन सरकार में अपने सहयोगी भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। थौबल जिले के हिरोक में पार्टी की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनपीपी नेता ने आरोप लगाया है कि भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले 5 वर्षों में राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, वे केवल एनपीपी को कमजोर करने के तरीके के खोज रहे थे। ये कहते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को चौंका दिया है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है क्योंकि मणिपुर का भी विधानसभा चुनाव है और उससे पहले एनपीपी जो कि बीजेपी की खुद सहयोगी पार्टी है उन्होंने अगर बगावत की है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस यहां पर चुनाव भी जीत सकती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता करवाना चाहते हैं दंगा फसाद। आप इस खबर को देख सकते हैं, यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान पूर्व विधायक ने एक विवादित बयान दे दिया है। प्रयागराज में एक बीजेपी प्रत्याशी के लिए रैली करते हुए पूर्व विधायक कह गए हैं कि जिताने के लिए अगर दंगा भी करना पड़े तो कोई बात नहीं है। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पूर्व विधायक राम सेवक पटेल जो कि बीजेपी के नेता भी माने जाते हैं और अच्छे नेता हैं, उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी को हर हाल में चुनाव जितवाना है, उसके पीछे चाहे आप दंगा करवाइए फसाद करवाइए इससे जो है कोई बात नहीं है, यानी कि अगर ऐसा भी कुछ होता है तो इससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हालत क्या हो गई है, इससे बौखलाए हुए बीजेपी के नेता किस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या के सरकारी आंकड़ों से अब 8 गुना ज्यादा, स्टडी में खुलासा हुआ है, आंकड़े सामने आए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं, शोध में कहा गया है कि भारत में मौतों के आंकड़ों की संख्या जो कि अभी तक दिखाई गई है वो बहुत कम है, दूसरी लहर के भयंकर प्रभाव को कम करके पेश किया गया है। कोलकाता से
निकलने वाले अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। इस अध्ययन में कहा गया है कि नवंबर 2021 की शुरुआत तक 30.2 लाख से 30.7 लाख लोगों की कैजुअल्टी कोरोना से हुई थी, जबकि सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या लगभग 4,60,000 ही बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, हमारे देश में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में भी इस तरह का घोटाला हुआ है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है लखीमपुर खीरी में, तिकुनिया में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, इस मामले पर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जिस तरह से जमानत दी गई है, उस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं, लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत के बाद लखीमपुर कांड में बताया जा रहा है कि अब एक और जो है मुश्किल आ सकती है। राकेश टिकैत जो है अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। लखीमपुर तिकुनिया कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 128 दिन बाद जेल से जमानत हुई है, लेकिन आशीष मिश्रा अभी भी घर पर नहीं आएंगे। जानकारी के मुताबिक अब बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत याचिका के खिलाफ जो है अर्जी लगाई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कब करेगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच बीजेपी की नेता और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, हिजाब पर जहां देशभर में बहस छिड़ी हुई है, इस बीच भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में महिलाओं की पूजा होती है, लेकिन जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ मौसी की लड़की, पिता की पहली पत्नी की लड़की सबसे शादी कर सकते हैं, उन्हें घर में हिजाब पहनना चाहिए। वहीं उन्होंने हिजाब की तुलना हिजाब से भी की और कहा कि बुढ़ापे को छिपाने के लिए मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं। खैर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खुद के पहनावों को अगर आप नोटिस करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की हैं। खैर, दूसरे धर्म पर टिप्पणी करना इतना ही इनके लिए आसान है क्योंकि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही उत्तर प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी एक विवादित बयान दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्रा यानी कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगर मुलायम के बेटे का भविष्य बनाना हो तो सपा को वोट दीजिए, सोनिया के बेटे का भविष्य बनाना हो तो कांग्रेस को वोट दीजिए, अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना हो तो भाजपा को वोट दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में साइकिल आई तो पंचर बनाने वाले लोग भी आएंगे, इसलिए अपना वोट राष्ट्रवाद के लिए करिए। यानी कि बीजेपी के नेता अब इस हद तक उतर आए हैं कि कहीं ना कहीं पंचर वालों की भी एंट्री इसमें उन्होंने और इस शब्द को इन्होंने इसमें जोड़ दिया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, देश की 130 करोड़ जनता को लग सकता है बड़ा झटका। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद 125 रुपए लीटर होगा डीजल पेट्रोल का रेट, ये जानकारी मिल रही है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच मोदी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, अपने नागरिकों को वापस लेने की कोशिश को लेकर के मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और बहुत जल्द इसके लिए जो है काम शुरू कर दिया जाएगा और जो है यूक्रेन से हमारे देश के लोगों को निकालने की जो मुहिम है शुरू कर दी जाएगी। आपकी अपनी क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।